नमस्कार दोस्तों, सीता फूड रेसिपी चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों तो दोस्तों आज मैं आई हूँ नई रेसिपी के साथ। तो रेसिपी में हम बनाएंगे दोस्तों आम का अचार, जो कि बहुत ही आसान तरीके से बन जाता है और बहुत ही जल्द बन जाता है दोस्तों। तो आम का अचार गर्मियों ही बनाई जाती है दोस्तों। तो हमारे यहाँ बारिश 2-3 दिन पहले बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो जब मैंने आम लिया हुआ था और उसको काटा तो बारिश चालू थी दोस्तों। तो दोस्तों हम आम को काटने का वीडियो और उसको नुमचाने का वीडियो हम आपको नहीं दिखा पाए हैं, तो हम आगे का वीडियो आपको दिखा रहे हैं दोस्तों। जिस तरह हम अचार बनाएंगे आपको दिखाएंगे, तो प्लीज़ मेरा वीडियो शुरू से अंत तक देखते रहिए। तो यहाँ पे हमने आम को 2-3 दिन पहले ही हल्दी और नमक लगाकर दोस्तों धूप में रख दिया हुआ था। तो धूप नहीं था इसलिए हमने धूप में ज़्यादा इसे नहीं रखा है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, ये नुमचाया हुआ आम बहुत ही अच्छी तरह से तैयार हो चुका है अचार बनने के लिए। तो अचार को बनाने के लिए हमने कुछ मसालों को भुना हुआ है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो दोस्तों आम हमने 8 किलो लिया हुआ है, तो 8 किलो आम का हम अचार बनाएंगे। तो उसमें हमने 1 पाव धनिया ली हुई है साबुत, तो इसे मैंने चूल्हे पे अच्छी तरह से भून लिया हुआ है दोस्तों। तो यहाँ पे हमने लिया है पचफोरन, तो पचफोरन में काफ़ी चीज़ मिक्स है दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मेथी, मंगरेल और सौंफ और राई सभी चीज़ मिली हुई है। तो इसे भी मैंने चूल्हे पर अच्छी तरह से भून लिया हुआ है। और यहाँ पे मैंने लिया है गरम मसाला, तो गरम मसाले को भी मैंने भुना हुआ है दोस्तों। और यहाँ पे हमने लिया हुआ है लाल मिर्च, तो इसका डंठल हमने निकाल लिया हुआ है। इसे भी हम दरदरा कूट लेंगे मिक्सर जार में। तो सभी मसालों को हम अच्छी तरह से कूट लेते हैं। आम का अचार बनाने के लिए हमने सभी मसालों को पीस लिया है दोस्तों। तो सभी मसालों को हमने दरदरा कूटा हुआ है। और यहाँ पे हमने लिया है नमक, हल्दी पाउडर और सरसों का तेल लिया है दोस्तों। तो हम अचार बनाना हम शुरू करते हैं। तो अचार बनाने के लिए सबसे पहले हम आम को एक दूसरे बर्तन में ले लेते हैं। तो मैंने बताया था दोस्तों आपको कि नमक और हल्दी मैंने पहले ही मिला दिया हुआ था, तो लगभग 2-3 दिन बीत चुके हैं इस आम को। तो आज हम इसका अचार बनाएंगे। तो सभी आम को हम पहले एक बर्तन में रख देते हैं। को हमने बर्तन में डाल दिया है, तो अब हम डालेंगे धनिया पाउडर। अब इसी के भी साथ में डाल देंगे पंचफोरन पाउडर। तो इन सभी को हमने अच्छी तरह से भुना हुआ था दोस्तों, तो अचार में मसाले भूनकर ही डालना चाहिए। तो यहाँ पे हमने गरम मसाला पाउडर लिया है, इसे भी हम डाल देंगे। और इसी के साथ में हम डाल देंगे हल्दी। तो मिर्च हमने ज़्यादा लिया है, तो मिर्च हम थोड़ा ही डालेंगे, नहीं तो हमारा अचार बहुत तीखा हो जाएगा। तो मिर्च को हमने डाल दिया है दोस्तों। अब हम डालेंगे नमक। तो नमक हमने थोड़ा पहले ही और डाला हुआ था, तो अब हम डालेंगे सरसों का तेल। तो लगभग हमने 1/2 लीटर सरसों का तेल डाला हुआ है। तो अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिला देंगे। तो मसालों को हमने अच्छी तरह से मिला लिया हुआ है, तो अचार हमारा बनकर रेडी है दोस्तों। तो इसे हम एक बर्तन में इसको रख देंगे, ताकि ये काफ़ी दिन तक स्टोर रहे। तो दोस्तों खट्टे आम का अचार हमारा बनकर तैयार है। तो जिस तरीके से मैंने आपको आज आम का अचार बनाना बताया है दोस्तों, तो उस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो आम का अचार जो है आपका सालों चलेगा, ख़राब नहीं होगा दोस्तों। तो इस तरीके से ज़रूर बनाएं। और दोस्तों मेरा अचार बनाने का तरीका आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।